नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजल। चोराटा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के दो ही निवासी युवक नीलेश त्रिपाठी ने विगत दिनों आरोप लगाया था कि क्षेत्र में जमकर अवैध मादक पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है, जिसमें क्षेत्र के कई तस्कर शामिल हैं। उक्त आरोपों के संबंध में स्थानीय निवासी कमलाकर पांडे ने बताया कि उसका किसी भी प्रकार से कारोबार संचालित नहीं है। युवक के द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के चलते उस पर आरोप लगाया गया। जिस वक्त युवक के द्वारा ये बताया जा रहा था कि पुलिस ने छापा मारा था, वह घटनास्थल पर पहुंचा जरूर था, लेकिन शोर शराबा सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गया, जिसके चलते युवक को लग रहा है कि वह आरोपियों के बचाव में पहुंचा था, जिसके कारण उसने ये आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं लगाए गए आरोपों के संबंध में कमलाकर पांडे ने क्या कहा है। हाई क्वालिटी वाली ना मिली यार, अपन वाली गोवा भर सफेदी देसी वाली नहीं, मतलब जैसा आओ कौनो आई बी है ना, यह वाली हम ये वाली पीन निपटाई वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा था जी, जिसमें एक युवक आरोप लगा रहा है कई लोगों के खिलाफ कि तस्करी करते हैं, शराब बेचते हैं। क्या मामला था, किस कारण से वो आपका नाम लिया? हमारा नाम दरअसल 2-3 दिन पहले की रात में लगभग 11 बजे की बात है, मैं मार्केट से अपना काम करके घर आया, पत्नी ने भोजन के लिए बोला, खाना खाने के लिए जैसे ही बैठा, मेरे घर के ठीक सामने पटेल रहते हैं और उनके जो बड़े लड़के हैं वो होटल खोले, उनकी माँ मेरे यहाँ ही बोली कि चले जाइए थोड़ा ढाबे तरफ, कुछ लोग आए हुए हैं, कोई विवाद की स्थिति है, शायद कोई पुलिस लिस आई। तो मैं वहाँ से अपनी थाली छोड़ के गया, वहाँ से निकला गया तो मौके में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर कोई नहीं था, सब चले गए। ये जो कब्बू त्रिपाठी हैं, इनका नाम हमको पता चला कि ये पड़ोस के ही है मेरे, ये जब इनकी जानकारी हुई कि ये आए थे तो मैंने इनसे फ़ोन करके ये कहा कि आप कहाँ पर हैं, तो बोले बीटीएल चौराहे में आ जाइए। मैं वहाँ गया, इस उद्देश्य से गया कि इनको शांत करवा के घर चले जाएं, अननेसेसरी किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, ठीक मेरा उद्देश्य जाने का ये था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं ये देखा कि ये शराब के नशे में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, गाली गलौज इधर उधर पूरे चौराहे में कर रहे थे। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भैया मैं जा रहा हूँ, आपको जो इच्छा हो आप करिए अपने हिसाब से। इस बात को लेके वो नाराज़ हैं तो हम ही को बोल रहे हैं कि आप गांजा दारू शराब की तस्करी करते हैं, जबकि मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से जाँच करवाना हो करवाए। अगर अपराध मुझे अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि आप शराब गांजा या कि कोई भी अवैध कार्य करते हैं तो जो नियमन कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के द्वारा वो मेरे ऊपर कार्रवाई करनी करें, मैं इसके लिए बिल्कुल एग्री हूँ। और लेकिन गलत तरीके से किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। और क्या मानसिक रूप से कुछ परेशान या कुछ ऐसा विचित्र है? मुझको तो ऐसा इसलिए नहीं लगता कि मानसिक रूप से परेशान डिस्टर्ब है, चूंकि देखिए अपने घर परिवार के हर व्यक्तियों को पहचानता है, अपने बच्चों को पहचानता है, पिताजी को अपने पहचानता है, बीटीएल में नौकरी भी करता है, तो इसको कैसे मान लेंगे हम आप कि मानसिक रूप से? क्यों ईर्ष्या रखता है, आपका नाम क्यों लिया सभी? हमने बताया ना आपको, बस वही कारण है, केवल एक कारण है कि हम उसको ये लगा कि कार्यवाही हो रही है उसमें आप उसको बचाव में पहुंच गए दूसरे पक्ष के। हाँ, जबकि मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं था, मेरा उद्देश्य था कि ये लोग विवाद न कर रहे थे और ये शराब के नशे में थे। हालांकि मैंने उस समय इनसे बोला भी कि भैया आज के बाद मैं अपना मान के आपको आ गया था, लेकिन मुझसे कोई लेना देना नहीं, आपको जो जो करना जिससे लड़ना लड़िए झगड़िए, आप जानिए प्रशासन जाने, मुझसे मतलब नहीं है। और ना तो किसी भी तरीके से किसी भी अपराध में मैं संलिप्त हूँ, ना तो मुझे किसी तरीके से कहीं कोई बोल दे कि गांजा बेचते हो कि शराब बेचते हो, कुछ भी मैं कोई अवैध काम नहीं करता। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।